अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडिंग द चैप्टर नंबर 10, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। टुडेज टॉपिक इज़ अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एसिड्स। चार हम डिस्कस कर चुके थे, आज लास्ट वन है रिएक्शन विद सल्फाइड्स, एसिड का रिएक्शन सल्फाइड्स के साथ। कल पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था सल्फाइड्स और बाईसल्फेट्स। सल्फाइड्स और बाईसल्फेट्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन और था सल्फर का कंपाउंड, ऐसे ये थी, ठीक है। आज हमने सल्फाइड्स पढ़ना है, इसमें सिंगल एस है। सल्फाइड्स का रिएक्शन हमने पढ़ना है सॉल्ट्स के साथ। देखिए, आयरन सल्फाइड जब इसके एसिड्स के साथ मिलेंगी तो इसके नतीजे में आयरन सल्फेट बनेगा और H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है इवॉल्व होंगी, ठीक है। इसमें भी देखिए कि आयरन जो है फर्स्ट स्पीशी सेकेंड वन से मिल रही है, Fe(SO4) बना रही है और इसमें H2S गैस जो है ये इवॉल्व हो रही है। तो ये समरी मैंने बनाई है, जितने हमने 5 रिएक्शंस पढ़े हैं उन रिएक्शंस की, ठीक है। समरी में देखते हैं कि पहला आप रिएक्शन देखिए कि रिएक्शन मेटल्स के साथ था जब एसिड्स का, तो उसके नतीजे में इसके क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट्स बनने हैं, मतलब जो जो हमने एसिड और मेटल्स यूज़ की थी उसके लिहाज से सॉल्ट्स बनेंगे और साथ में H2 गैस जो है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। सेकेंड रिएक्शन में रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स में सॉल्ट्स बनेंगे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। थर्ड रिएक्शन जो कि बेसिस के साथ था उसमें सॉल्ट्स और वाटर बनेगा। फोर रिएक्शन जो कि सल्फाइड्स के साथ था और बाईसल्फेट्स के साथ है, इसमें सॉल्ट और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। पांचवा रिएक्शन जो कि सल्फाइड्स के साथ है, उसके नतीजे में सॉल्ट और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनेगी। तो ये नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ एसिड्स। इसमें डिफरेंट एसिड्स के नाम बताए, उनके यूजेस बताए हुए हैं। पहला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोजिव, पेंट्स, डाइस, ड्रग्स। इट इज़ आल्सो यूज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरीज। ये सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अगर हमने फर्टिलाइजर्स खाद बनानी है, अमोनियम सल्फेट या कैल्शियम सुपर फॉस्फेट बनानी है, ठीक है, या एक्सप्लोजिव धमाका खेज मौत बनाना है, पेंट्स बनाने हैं, डाइस बनानी है या ड्रग्स बनानी है, उसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा जो लेड स्टोरेज बैटरीज़ है, वो बैटरीज़ जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, जो चार्जेबल बैटरीज होती है, उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर से चार्ज जो है वो पास आउट कर सकता है। चूँकि ये चार्ज स्टोरेज बैटरीज है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, तो जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें इस्तेमाल होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। सेकेंड इसमें एसिड है नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला HNO3 है। HNO3 यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स बनाने में, लेकिन वो फर्टिलाइज़र कौन सा होगा? अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइज़र। एक्सप्लोजिव्स बनाने में धमाका खेज मवाद, पेंट्स, ड्रग्स एंड इचिंग डिज़ाइन और कॉपर प्लेट्स। कॉपर के ऊपर जो डिज़ाइंस बने होते हैं, क्या आपने देखे होंगे बहुत से ऐसे पोर्ट्स, बहुत से डेकोरेशन पीसेस कॉपर के हैं जिनके ऊपर डिज़ाइंस बने होते हैं, तो वो डिज़ाइंस किससे बनेंगे? नाइट्रिक एसिड HNO3 से बनेंगे। थर्ड एसिड इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका फार्मूला है। ये यूज़ करते हैं क्लीनिंग मेटल्स को जब हमने साफ़ करना हो, टेनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री। टेनिंग मतलब जिसमें हम एनिमल्स के स्किन यूज़ करके हुए लेदर बनाते हैं, उस इंडस्ट्रीज़ में या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में हम जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। फोर वन इज़ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड इज़ यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन। जब हमने फूड को स्टोर करना हो लंबे अरसे के लिए, तो हम बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या एसिटिक एसिड इज़ यूज फॉर फ्लेवरिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। एसिटिक एसिड CH3COOH, इसे भी हम जब फूड को फ्लेवर कर देना हो तब हम इस्तेमाल करते हैं, या फूड को स्टोर करना हो। इट इज़ आल्सो यूज टू क्योर द स्टिंग्स ऑफ वेस्ट। जब डंग लग जाता है, ठीक है, किसी भी कीड़े का, उसके क्योर के लिए भी हम एसिटिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं। तो नीचे कुछ एसिड्स दिए हुए और इनके सोर्सेज है कि वो नेचुरली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड जो है ये सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स में, जैसे लेमन हो गया और ऑरेंजेस हो गया। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में पाया जाएगा, ठीक है, दूध के अंदर।
फॉर्मिक एसिड, स्टिंग्स ऑफ बीज एंड आंट्स के मक्खियों और आंट्स के डंग के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड रेंसिड बटन में पाया जाएगा। टार्ट्रिक एसिड टमारिन में, ग्रेप्स में, एप्पल्स में, मैलिक एसिड एप्पल्स के अंदर, यूरिक एसिड यूरिन के अंदर, और स्टेरिक एसिड जो है ये फैट्स के अंदर पाया जाएगा। ये टेबल आपने एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और यूजेस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 या 4 मार्क्स का जो है ये आ सकता है।